तो आज हम लोग खेलने वाले हैं हाइड एंड सीक मेरे फ्रेंड युग प्लेस के साथ में। लेकिन गाइज मैं इस हाइड एंड सीक में चीटिंग करने वाला हूँ, वो भी कैमरास की हेल्प से। और भाई युग को मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होगा क्योंकि हम लोग पहली बार साथ में माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं एंड हम लोग इस पूरी सिटी के अंदर छुपने वाले हैं, इसीलिए मैंने हर बिल्डिंग में कैमरास भी लगा दिए हैं। एंड गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को आज की इस वीडियो का लाइक एम भी बता देता हूँ। चलो इस वीडियो का कोई लाइक एम ही नहीं रखते हैं, तुम्हारा जितना मन करे उतने लाइक कर दो, देखते हैं हम लोग इस वीडियो पे कितने ज्यादा लाइक्स कर सकते हैं। भाई अब मैं तुमसे ही बात करता रहूंगा ना तो ये युग भाग जाएगा। अरे ऋषि भाई कहाँ गए? तो युग भाई क्या तुम रेडी हो हारने के लिए? रेडी रेडी हाय। तो ये लोग गेम स्टार्ट करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। देखो गाइस हाइड एंड सीक युग के साथ तो होने वाली है, लेकिन युग को भी पता है कि जीतने तो मैं ही वाला हूँ। ओ ओ ओ ओ, ओ क्या, क्या 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 भाई, सपने की दुनिया में मत जियो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने अपने अपने नेम के पेपर डाल दिए हैं एंड जब युग भाई इस बटन को दबाएंगे ना तो जिसका भी पेपर आएगा वो सबसे पहले छुपने जाएगा। ओके 3 2 1 लेट्स गो। किसका है, किसका है? युग प्लेस मेरा आया। देखो देखो अबे यार भाई किस्मत ही खराब है। चलो कोई नहीं, आप भले ही छुपने जा रहे हो लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। ओ ओ ओ इतना कॉन्फिडेंस सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई जाओ आप छुपने के लिए और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। ओके जाओ जाओ जाओ। चलो मैं छुपने जा तो रहा हूँ पर एक बात बता दो, चीटिंग वीटिंग मत करना, मेरे को चीटिंग से सख्त नफरत है। अरे नहीं करूंगा भाई, अपन लोग पहली बार साथ में वीडियो बना रहे हैं और पहली वीडियो में चीटिंग कर दूंगा तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो गाइस अभी मैं डिस्कॉर्ड से म्यूट हो चुका हूँ और भाई युग को बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम लोग चीटिंग करने वाले हैं, वो भी सिक्योरिटी कैमरास की हेल्प से। मैंने इस पूरे के पूरे सर्वर में कैमरास लगा दिए हैं, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कैमरा सबसे ऊपर लगा रखा है और यहाँ से अपने को पूरे के पूरे सर्वर की लुक मिलती रहेगी। एंड भाई ये युग तो यहीं पे घूम रहा है, क्या चक्कर है, इसको छुपने नहीं जाना क्या? ओके तो तुम लोग देख सकते हो वो कहीं तो जा रहा है, तो वो एक बगल वाले घर में जा रहा है। मैंने उधर पे भी कैमरा लगा के रखा हुआ है तो मैं दूसरे कैमरे पे स्विच करता हूँ। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो युग अपने सामने ही है और भाई इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि अपन ने कैमरा लगा रखे हैं एंड ये कर क्या रहा है यहाँ पे। ओके इसने एक एंडर पर्ल निकाल ली है, लेकिन एंडर पर्ल से क्या करेगा? अबे भैंस की टांग भाई, युग तो क्राफ्टिंग टेबल के अंदर घुस गया। मेरे को तो लग रहा था मैं ही चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो युग भी चीटिंग कर रहा है और लेकिन ये क्राफ्टिंग टेबल के अंदर घुसा कैसे भाई? तो अभी मैं ना थोड़ी सी एक्टिंग करता हूँ कि मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि युग ने चीटिंग करी है एंड अपने आप को अनम्यूट कर लेता हूँ मैं डिस्कॉर्ड से। हेलो युग भाई मैं आ रहा हूँ। आ जाओ नहीं ढूंढ पाओगे, मैं ऐसी जगह छुपाऊँ तुम सपने में भी नहीं ढूंढ पाओगे। अरे सपने तो वो लोग देखते हैं ना जो दिन में सोते हैं, मैं तो जाग रहा हूँ, मैं तो रियलिटी में ढूंढूंगा। अच्छा अच्छा ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ के दिखाओ। तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एंड सबसे पहले मैं ना ये अगल बगल वाले घरों में चेक करता हूँ। वैसे योग अगल बगल में तो छुपा नहीं होगा, क्यों योग? ऑफ कोर्स मैं बहुत दूर हूँ। हाँ तो सबसे पहले मैं बगल वाले घरों में ही चेक करूंगा क्योंकि मेरे को योग की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो गाइज ये कोई होटल जैसा लग रहा है मुझे, तो मैं इसके पास में जाके देखता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूम बने हुए हैं। यार होटल पे कौन छुपता है? नहीं नहीं ऐसी गंदी जगह पे नहीं छुपता मैं, बैड आइडिया, कहीं और ढूंढो। तो गाइज मुझे तो लग रहा है योग इधर ही गई है क्योंकि उसने बोला ही होटल में कौन छुपता है। तो गाइज सबसे पहले रूम नंबर 1 चेक करता हूँ मैं और यहाँ पे तो भाई कोई भी ऐसा ब्लॉक मेरे को दिख नहीं रहा है जहाँ पे छुपा जा सकता है। मैं बगल वाले रूम के अंदर जाके देखता हूँ तो ओके मैं इधर पे आ चुका हूँ एंड ये तो कितना मस्त रूम है भाई। तो गाइस यहाँ पे तो छुपने के लिए बहुत सारी जगह हो सकती हैं। क्या हुआ अभी तक नहीं ढूंढ पाए, इतने नूब हो गया? कहाँ पे छुपे हुए हो, थोड़ी हिंट तो दो ना यार। हिंट क्या दूं यार, अब हिंट के नाम पे देखो इतनी बड़ी सिटी है, कहीं तो मिल ही जाऊंगा। तो गाइस मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता है युग कहाँ पे है। हाँ चूहा बिल से बाहर आ गया। क्या ये क्या तुम यहाँ पे थे? और क्या भाई मेरे को पहले से ही शक हो गया था, तुम इधर ही कहीं छुप के बैठे हुए हो। अरे यार मेरे को लगा कहीं दूर चले गए ढूंढने, मैं सोचा आराम से बाहर आ जाता हूँ तुम्हें धप्पा करूंगा। यार छी यार ऋषि भाई तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया यार। यार मैं इतनी मस्त जगह पे छुपा था, तुमने ढूंढ लिया, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को वापस से छुपना है। वापस से तो छुप लो, लेकिन भाई तुम मेरे को ये बताओ चीटिंग क्यों कर रहे थे, क्राफ्टिंग टेबल के अंदर कैसे घुस गए? क्या कहीं पे लिखा है क्या चीटिंग नहीं कर सकते? हाँ लिखा है हाइड एंड सीक में। अरे लिखा तो नहीं है और मैंने ऐसा कुछ रूल भी नहीं बनाया था यार। ऐसे नहीं यार मेरे को एक और बार छुपना है, कितना जल्दी ढूंढ लिया तुमने। चलो ठीक है मैं तुम्हें ना एक और चांस देता हूँ और इस बार चीटिंग मत करना, मैं वापस से जाता हूँ उधर पे। ठीक है भाई जाओ तो सही। तो मेरे को मार क्यों रहे हो? अभी ये जो बैट दिख रहा है ना मेरे हाथ में, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैठ जा। युग भाई आपके पास ना बस 1 मिनट का टाइम है, जल्दी छुपने के लिए जाओ वरना भाई आप तो छुपने में ही बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो। क्या ये तो बहुत कम है भाई, क्या ना इंसाफी है ये। देखो भाई हाइड एंड सीक को हार्ड बनाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है, तुम यार डिस्टर्ब मत करो। तो गाइस मैं यहाँ पे डिस्कॉर्ड से म्यूट हो चुका हूँ एंड अभी अपन लोग चेक करते हैं युग कहाँ पे छुपा हुआ है। एंड गाइस तुम लोग देख सकते हो युग इधर डायरेक्शन में जा रहा है एंड मैंने उधर पे भी कैमरा लगा के रखा हुआ है तो मैं दूसरे कैमरे पे स्विच करता हूँ। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो युग मेरे सामने ही है, पत्तियां तोड़ रहा है भाई, छुपना नहीं है पत्तियां तोड़नी है।
ओके तो वो वहाँ पे जा रहा है एंड भाई योग तो कुछ ज्यादा ही भूखा है, हर बार ब्रेड खाता रहता है। एंड गाइस तुम लोग देख सकते हो वो होटल के अंदर घुस गया है एंड मैंने होटल में भी एक कैमरा लगा के रखा हुआ है तो मैं वो वाले पे स्विच कर लेता हूँ। एंड गाइस ये तो ऊपर जा रहा है भाई, तो चलो मैं ऊपर वाले कैमरे पे स्विच करता हूँ। ओके तो गाइस मैं ऊपर वाले कैमरे पे आ चुका हूँ एंड मेरे सामने ही है योग। ओके तो यहाँ पे ये बेड तोड़ रहा है, लेकिन ब्लॉक्स वगैरह तोड़ना तो भाई अलाउड ही नहीं है, बट चलो कोई नहीं, मैं भी तो चीटिंग ही कर रहा हूँ। ओ भाई इसने तो अपने बेड लगा दिए रेड कलर के, ओ भैंस की डंग भाई, ये कैसा बेड है, ये तो खुल गया भाई और युग इसके अंदर जाके छुप गया है, ये तो चीटिंग हो रही है बहुत तगड़ी भाई। अगर मैं ये कैमरे यूज नहीं करना होता तो मेरे को तो पता ही नहीं पड़ता। ओके तो मैं ऐसी जगह पे अभी छुप चुका हूँ ना कि वो तो मेरे को जरा भी ढूंढ ही नहीं पाएगा, और लास्ट टाइम पता नहीं उसने कैसे ढूंढ लिया यार, मुझे थोड़ा बहुत तो डाउट जा रहा है क्योंकि यार मैं इतनी अच्छी जगह छुपा था, नॉर्मली तो कोई बंदा नहीं ढूंढ सकता मुझे। तो गाइस अभी मैंने डिस्कॉर्ड से म्यूट कर लेता हूँ और पूछता हूँ युग से कि वो छुप गया है या नहीं, थोड़ा सा माहौल इंटेंस बनाना पड़ेगा ना। हेलो युग भाई छुप गए क्या, मैं बस आने वाला हूँ। आराम से भाई, मस्त जगह पे छुपा हुआ, मस्त जगह पे छुपे हुए, चलो ठीक है मैं आता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं ना इधर को ढूंढता हूँ, मेरे को लग रहा है इस डायरेक्शन में योग भाई हो सकते हैं। तो भाई ये तो देखो कितना बड़ा ऑफिस है एंड इसके अंदर शायद से योग भाई छुप रखे होंगे, तो मैं अंदर जाके देखता हूँ। ओके गाइस ये देखो कितना मस्त ऑफिस है, यहाँ पे तो एक घड़ी भी लगी हुई है। तो गाइस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो टॉयलेट है, और मैं सबसे पहले टॉयलेट के अंदर ही चेक करूंगा क्योंकि योग ज्यादा खाना खा रहा है तो क्या पता क्या कुछ भी है। टॉयलेट क्या होता है, यहाँ टॉयलेट में चेक मत करो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ नहीं छुपा हूँ। अरे चेक करना पड़ेगा ना भाई, तुमने अभी अभी 2-3 ब्रेड खाई थी। अरे एक सेकंड, वो तो मैंने तब खाई थी जब मैं छुप रहा था, तुम्हें कैसे पता लगा? अरे मुझे ना आवाज आ गई थी ब्रेड खाने की, इसीलिए। इतनी दूर से पता नहीं। तो गाइस यहाँ पे तो टॉयलेट के अंदर योग है नहीं, वैसे मुझे लगा था भाई इसके अंदर ही होगा, तो चलो ऊपर जाके देखते हैं। एंड ये सबसे पहला वाला रूम है, इसके अंदर चेक करता हूँ। ओके तो यहाँ पे भाई लग तो नहीं रहा योग वैसे छुपा कहाँ होगा। यहाँ पे एक रेड कलर का बेड है भाई, रेड कलर के बेड मेरे को मस्त लगते हैं, मैं ना यहाँ पे सो जाता हूँ। नहीं, ये कैसे किया भाई, मैं तो अपने फेवरेट कलर के बेड पे सोने आया था और तुम भाई बेड के नीचे छुपे हुए बैठे हो चूहे की तरह। मेरे को ढूंढना है। ये सोने के लिए आयो यहाँ पे? हाँ सोने के लिए आयो। नहीं भाई गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये पॉसिबल नहीं है भाई, कोई भी नहीं ढूंढ सकता ऐसे तो। अरे कुछ गड़बड़ होती तो मैं सबसे पहले नहीं देख लेता। ठीक है वो तो, पर यार ये सही बात नहीं है यार, तुमने कैसे ढूंढ लिया, कुछ तो गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है भाई, अब देखो मेरे 2 पॉइंट हो चुके हैं एंड मैं छुपूंगा अब, क्योंकि अब 2 बार छुप चुके हैं भाई, मेरे को भी छुपना है। ठीक है छुप लो, पर ध्यान रहे मेरी नजरों से नहीं बच सकते। तो योग भाई वैसे आपको लक कैसा रहा है, आपके 0 पॉइंट है और मेरे 2 पॉइंट है। नहीं एक घंटा में कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यार, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरे को पहले से तुम पे डाउट है थोड़ा सा। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, आप मेरे साथ पहली बार खेल रहे हो ना, इसीलिए आपको पता नहीं है मैं कितना प्रो हूं। ओ अच्छा, क्या पता देखते कितने प्रो। हाँ चलो अभी जाओ इसके अंदर, इस बक्से में बंद हो जाओ। तो मैं छुपने जाऊँ क्या? वो छुपो, मैं तो रेडी हूँ। चीटिंग तो नहीं कर रहे भाई, अंदर बैठा बैठा कैसे चीटिंग करूंगा यार, जल्दी छुपो, सिर्फ 1 ही मिनट है तुम्हारे पास, मेरे को भी 1 मिनट दिया था। तो ओके गाइस अभी मैं डिस्कॉर्ड से म्यूट हो चुका हूँ और मुझे भाई इस सर्वर में बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन पता है। तो गाइस अभी मैंने अपने छुपने के लिए ना थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, वो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एंडर चेस्ट रखी हुई है एंड इसके अंदर सामान है जो मुझे चाहिए छुपने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कुछ नेम टैग और डोर रखा हुआ है, तो ये वाला डोर बहुत ज्यादा तगड़ा है, वो तुम लोग को आगे मैं वीडियो में दिखाता हूँ। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये डिकॉय डोर लगा दिया है एंड ये डोर देखने में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये डोर खुल रहा है और भाई कितनी प्यारी एनिमेशन है इस डोर के खुलने की, गाइस ऐसा लग रहा है किसी राजा महाराजे के महल का डोर खुल रहा है। तो ओके गाइस यहाँ पे मैं एक बिल्ली स्पॉन करने वाला हूँ, उससे पहले भाई गेट बंद कर देता हूँ वरना भाई ये बिल्ली यहाँ से भाग सकती है। तो गेट तो बंद हो रहे हैं एंड मैं यहाँ पे एक बिल्ली स्पॉन कर दी है, और गाइस तुम लोग देखो ये बिल्ली कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, अगर तुम लोग को भी क्यूट लग रही है तो मेरे को कमेंट में बताना। एंड इसको अभी अपन लोग एक नेम टैग दे देते हैं एंड इस नेम टैग पे लिखा हुआ है कट गया तेरा XD। तो जैसे ही युग यहाँ पे आएगा वो ये देखेगा ये कि यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है और 100% वो इस बिल्ली के ऊपर क्लिक करके देखेगा। तो गाइस अभी मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ एंड ये वाला गेट मैं बंद कर देता हूँ। हेलो ऋषि भाई क्या हो गया, अभी तक छुपे नहीं, कितना टाइम लगेगा? अरे मैं थोड़ा सा ना दूर छुप रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, वैसे मैं छुप गया हूँ, आप आ जाओ। ओके तो मैं निकल चुका हूँ अपने रूम से बाहर और किधर छुपे, चलो बताओ। अरे मैं क्यों बताऊँ भाई, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना, इतनी बड़ी सिटी है यार, तो तुमने ये पूरा सर्वर बनाया है, क्या पता तुम कहीं भी छुप जाओ। तो गाइस अभी मैंने डिस्कॉर्ड से म्यूट हो चुका हूँ एंड अपन लोग चेक करते हैं योग कहाँ पे है। तो गाइस तुम लोग देख
सकते हो युग ये रहा। एंड भाई वो मेरे डोर की साइड में ही आ रहा है, तो वहाँ पे भी मैंने एक कैमरा लगा के रखा हुआ है, मैं उस कैमरे पे स्विच करता हूँ जल्दी से। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो युग मेरे बिल्कुल सामने है, और ये क्या कर रहा है युग? कहीं पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार, कहाँ पे छुपा हुआ होगा ये यार। यार हर एक बिल्डिंग तो सेम सी लग रही है मेरे को, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। वेट एक सेकंड गाइस, ये दरवाजा देखो, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब माइनक्राफ्ट में आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा कोई दरवाजा, कुछ अजीब ही है भाई। ये कोई डोर है या फिर कोई अलग मैकेनिज्म वगैरह है? क्या अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ? अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे एक सेकंड, ये दरवाजा तो ऑटोमेटिकली खुल रहा है, वो भी एकदम पता नहीं कैसे, शहनशाहों की तरह। बाप रे कैसा कंट्रैप्शन है। ओ वेट, अंदर एक क्यूट से बिल्ली है, कैसी? एक सेकंड, क्या ये कट गया तेरा XT? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे भाई? ठीक है मैं मजाक बना के रखा, क्या इतनी मेहनत क्या हुई भाई इतना खतरनाक डोर खोलने की? यार इस वाले डोर ने तो मेरा गंदा वाला काटा। पर एक काम करते, इसके पीछे वाले साइड को एक्सप्लोर करते, क्या पता यहाँ पे हमें ऋषि का कुछ सुराग मिल जाए। यहाँ पे देखते हैं जरा, पर यार ये तो पूरी ओपन स्पेस है, यहाँ पे तो मुझको कुछ नहीं लगता। पर वेट ये क्या है भाई, ये कोई बाथरूम वगैरह है क्या कुछ? तुम यहाँ पे हो भाई, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन आपका कटा कैसा, मजा आया क्या? जी यार ये बहुत गंदी साजिश थी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन युग भाई अभी भी मेरे 2 पॉइंट है और आपका 1 ही है, तो समझ रहे हो ना मैं अभी भी आगे ही चल रहा हूँ। अरे यार कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा ओवरटेक। चलो तो मैं अंदर चला गया हूँ काउंटिंग करने के लिए, जल्दी जाके छुप जाओ। तो गाइस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो युग को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ है, एंड अभी वो फिर से छुपने के लिए जा रहा है। तो मैं ना अभी दोबारा से चेक करता हूँ कि वो किस जगह पे है। एक सेकंड गाइस, मेरे को उसके फुटस्टेप आ रहे हैं भाई, वो मेरे आसपास में ही है, तो इसीलिए मैं ना अभी चेक नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा वो दूर चला जाएगा ना तब चेक करूंगा, वरना क्या पता वो अभी गेट खोल दे और वाट लग जाएगी मेरी वरना। तो गाइस वो तुम लोग देख सकते हो युग सीधे सीधे जा रहा है भाई, एंड ये तो लगता है कार के शोरूम में जा रहा है भाई, यहाँ पे बहुत सारी कार रखी हुई है। तो मैंने उधर पे भी एक कैमरा लगा के रखा हुआ है, तो मैं उस वाले कैमरे पे स्विच कर लेता हूँ। तो ओके गाइस मैं ये वाले कैमरे पे आ चुका हूँ, एंड युग तो मेरे सामने ही है भाई, और ये तो भाई पीछे के गेट से घुस रहा है शोरूम के अंदर। रुको वो वाले कैमरे पे स्विच करते हैं भाई, वरना यहाँ से तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो ओके तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, एंड युग क्या कर रहा है भाई? ओ गाइस ये क्या चीज है भाई, ये तो एक वॉल टाइप की आ गई, एंड यहाँ पे तो कुछ अलग ही टाइप का सीन लग रहा है। लेकिन ये युग माइनक्राफ्ट क्यों प्लेस कर रहा है यहाँ पे? ओ भैंस की टांग भाई, ये कैसा डोर है? व्हाट, ये तो बंद हो गया। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़े लेवल की चीटिंग कर रहा है युग, मेरे को तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है माइनक्राफ्ट में, इतना ज्यादा परफेक्टली गोल्ड डोर। तो गाइस मैं ना अभी अनम्यूट करता हूँ और पूछता हूँ युग से, क्या वो छुप गया? यस छुप चुका हूँ मैं, एंड मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इस बार तुमने ढूंढ दिया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पर ढूंढ नहीं पाओगे तुम। तो ओके मैं बाहर तो आ चुका हूँ, एंड इस बार यार मेरे को थोड़ी सी हिंट दे दो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। अच्छा अच्छा चलो मैं एक हिंट दे सकता हूँ छोटी सी, ठीक है? हाँ। कि मैं कार से रिलेटेड कोई जगह पे छुपा हुआ हूँ। अच्छा कार से रिलेटेड जगह पे, तो देखो इस वाली सिटी के अंदर तो दो ही जगह है जो की कार से रिलेटेड है, एक तो पार्किंग है और एक कार शोरूम है। तो सबसे पहले मैं ना कार शोरूम में आता हूँ, क्योंकि पार्किंग थोड़ा सा दूर है यहाँ से। अरे क्या यार मैं तो लेकिन पार्किंग में हूँ। पार्किंग में? अच्छा भाई मेरे को क्या पागल समझ के रखा है, मैं इतनी आसानी से यकीन कर लूंगा, मेरे को क्या पता नहीं है तुम उल्लू बना रहे हो मेरे को? नहीं पक्का पार्किंग में हूँ, चेक कर लो। भाई चेक करने जाऊंगा इतनी देर में टाइम निकल जाएगा, मुझे तो लग रहा है तुम यही शोरूम के अंदर छुपे हुए बैठे हो, क्योंकि एकदम से तुमने बोल दिया कि मैं पार्किंग में हूँ। अच्छा तो मैं इधर आ तो चुका हूँ, एंड मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है यहाँ पे। ओए भूत हो गया यार, मैं नहीं हूँ यार यहाँ पे, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अच्छा माइनक्राफ्ट में भूत भी होते हैं? हाँ माइनक्राफ्ट में सब कुछ होता है, तुम खुद को ही देख लो। तो गाइस तुम लोगों ने मेरे साथ देखा होगा कैमरे के अंदर कि वो माइनक्राफ्ट में बैठा था, एंड उसने अपने हाथ में नेदर स्टार लिया था, तब जाके ये गेट खुला था। तो मैं भी वही ट्राई करता हूँ, वरना भाई ये तो इम्पॉसिबल है खोलना। तो गाइस मैं माइनक्राफ्ट और नेदर स्टार लेके आ चुका हूँ, एंड अभी मैंने युग के थोड़े मजे लेता हूँ। अरे युग भाई तुम कहाँ छुप के बैठे हो यार, मुझे तो मिल ही नहीं रहे हो, मैंने पूरा का पूरा शोरूम छान मारा। क्या यार मैंने तो पहले ही बताया था तुम इस गेम में बहुत ही ज्यादा नूब हो। चलो पर अच्छा तुम्हें विश्वास तो हो गया अभी भाई, बहुत ज्यादा नूब हूँ मैं तो यार। कैसे मिला भाई यहाँ का एंट्रेंस, कैसे मिला तुम्हें? कैसे क्या मिला भाई, ये तुमने कैसा बना रखा है, ये कैसी चीटिंग कर रहे हो भाई, आगे ब्लॉक लगा दिए, ऐसा तो कुछ माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये देखो कितना ज्यादा गोल्ड टनल है ये। पर तुम आए कैसे भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था ना इसको ढूंढना, तुमने ढूंढा कैसे? पता नहीं भाई मैं उसके बगल में आया तो वहाँ पे रेल रखी हुई थी, तो मैं रेल के ऊपर बैठ गया और ये दरवाजा खुल गया। कुछ तो है, एक सेकंड मैं भी देखूं तुमने कैसे ढूंढा मेरे दरवाजे को। अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं, और यहाँ पे मेरे को कुछ तो, एक सेकंड
ये कैमरा क्या कर रहा है यहाँ पे? ये सिटी में तो पहले कभी कैमरा नहीं था। अरे ये वो है ना कार शोरूम, तो कार शोरूम में वो शोरूम वाले ने लगाया होगा। चोरी वोरी होती रहती होगी है ना। हाँ, सब समझ में आ रहा है भाई मेरे, सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, सब समझ में आ रहा है। कार शोरूम वाले ने रखा है ऐसी की तैसी तुम्हारी। गाइस तुम लोग डिसाइड करो कि कौन इस वाली हाइड एंड सीक का विनर। हाँ यार वैसे तो मैं ही असली विनर हूँ। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। तो फिर गाइस हम दोनों मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में। तुम लोग स्क्रीन पे क्लिक करो और मेरी लास्ट वीडियो देख के आओ। युग भाई स्पेशल डायलॉग याद है ना? अरे हाँ हाँ बुई बुई।